इसका फेजर बनाएंगे। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे? फेजर से। सबसे पहले आप क्या करो, ड्रॉ फेजर एंड रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल्स, बोथ पार्टिकल्स ऑन इट। पहले फेजर बनाओ और दोनों पार्टिकल के, दोनों पार्टिकल को उस पे दिखाओ। चलो पहले इतना काम करो, फेजर बनाओ और दोनों पार्टिकल को फेजर पे दिखाओ। फटाक से एक सेकेंड में फेजर बनाओ। फेजर क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस एम्पलीट्यूड होती है। बन गया फेजर। फेजर बनाना बहुत आसान है। सर्कल दिखा दो, एक मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन यहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होता है, यही तो है। ये मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक मीन पोजीशन पे है और एक एक्सट्रीम, लेकिन डायरेक्शन सेम है मोशन का। तो देखो अगर ये हाँ एक सर, पार्टिकल इधर मूव करे और दूसरा पार्टिकल इधर मूव करे तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं? ये तो हम लोगों ने जी कल सर। ही डिस्कस करा था। तो ये सेकंड पार्टिकल हो गया, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया। अब थोड़ा सा अगर ये आगे बढ़ा तो इसका शैडो यहाँ आ जाएगा, तो हमें फील होगा कि ये इधर जा रहा है। जी सर। और अगर इसको यहाँ लाया जाए तो लगेगा कि इसका शैडो यहाँ आ गया है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? जी सर। इसका मतलब हमने फेजर करेक्ट ड्रॉ किया है। अब फेजर करेक्ट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या निकालनी है? टाइम जब दोनों मिल टाइम। जाएगा। मिलने का मतलब क्या हुआ? मिलने का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू सेम हो गया दोनों के लिए। एक्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो गया? सेम हो गया। सेम। मिलने का मतलब एक ही जगह आ गया दोनों, एक ही जगह आ गया दोनों। यहां तक आ गया समझ में सबको? तो देखो दो सर्कल मैं बना रहा हूं, मैं ना दो सर्कल बना रहा हूं। एक बना रहा हूं मैं जो स्टार्ट लिया है। स्टार्टिंग कहां से हुआ? यहां से स्टार्टिंग हुआ है। एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। दोनों के बीच एंगल देख लो। पीछे मैं वन और टू किसको बोला था? वन और टू में किसको बोला था? देखो तो वन यहाँ वाले को वन बोला था और यहाँ वाले को टू बोला था, नहीं? जी सर। तो वो चीजें करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल था जिसको हमने वन बोला है और यहाँ पे वो पार्टिकल है जिसको हमने टू बोला है। ये इनिशियल डायग्राम है, इनिशियल। अभी ये स्टार्ट किया है इस सिचुएशन से। जी सर। तो देखो दोनों क्या, दोनों का जो शैडो बन रहा है ना, शैडो देखो। इस तरह के क्वेश्चन में केवल शैडो पे ध्यान देना है। एक का शैडो यहाँ बन रहा होगा, दूसरे का शैडो तो यही है। जी अब सर। फाइनल एक डायग्राम बनाते हैं। फाइनल क्या होगा? ये वाला पार्टिकल कुछ इधर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर सेकेंड वाला पार्टिकल भी कुछ इधर जाएगा। दोनों का
एक्स जब तक सेम नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों का शैडो आया, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे दोनों का शैडो आया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एक यहाँ होगा इधर जा रहा होगा, और दूसरा यहाँ होगा जो इधर जा रहा होगा, तभी तो दोनों का शैडो सेम हो गया ना। जी सर। अब बताओ, मगर इनका एंगल तो 90 है ना सर? एंगल से क्या काम है, एंगल तो हमेशा 90 ही रहेगा। जो फाई होता है, फाई ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, फाई कभी नहीं बदलता है। पहले अगर 90 था ना, तो अब भी 90 होगा। तो बताओ, अगर ये 90 है तो ये 45 होगा क्या? जी सर। अच्छा, ये ए है तो बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए बाय रूट टू हो जाएगा क्या? जी सर। अगर ये वाला लेंथ है ए, ये 45 है, तो ये वाला लेंथ ए कॉस 45 होगा। जी सर। तो ए बाय रूट टू आ गया, कहाँ आ गया, ए बाय रूट टू। या हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में केवल टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा, कि कब मिलेगा। तो हमें पता है कि हम लोग एंगल ना यहाँ से देखते हैं, यहाँ से। जी सर। एक पार्टिकल कहाँ से चला बताओ, ये जो पार्टिकल सेकेंड था, किसी एक पार्टिकल को फोकस कर लो। सेकेंड पार्टिकल देखो पहले कहाँ था, यहाँ था ना। जी सर। अब सेकेंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। जी सर। फर्स्ट पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। जी सर। तो किसी एक पार्टिकल के बारे में सोचो। तो इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पार्टिकल की, तो सेकेंड इतना चला। जी सर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 45 है, टोटल 180 होता है। तो ये 180 माइनस 45 हो जाएगा। हाँ सर। यानी पाई माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। जी सर। तो 3π/4 हो गया, क्या हो गया, 3π/4। अब देखो, थीटा आ गया 3π/4। टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन में, टाइम पीरियड टी दिया हुआ था, तो ओमेगा होता है 2π/T। जी सर। तो जब आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम नहीं निकाल सकते हो। सिंपल मोशन में फॉर्मूला पढ़े हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, पढ़े हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये वाला लगा देना है, डिस्टेंस को यहाँ पे थीटा बोलते हैं, स्पीड को ओमेगा बोलते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 3π/4, स्पीड को ओमेगा बोल। थीटा हाँ, सर, क्या थीटा सर, थीटा सर, आर थीटा इनटू आर होता है ना सर? क्या थीटा इनटू आर होता है सर, इसकी लेंथ सर? अबे पागल, हमें थीटा से ही काम है ना। जी सर। एंगुलर मोशन का डेफिनेशन होता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, ये रिलेशन है। जी सर। तो थीटा निकल ही गया है, तो आप क्या आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। थीटा निकल गया, सर, ओमेगा दिया है, टी निकालना है ना, टी निकालना हाँ है सर। तो थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा हो गया 3π/4, ओमेगा का वैल्यू दिया है 2π/T, और टाइम अननोन है, जिसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, टी की वैल्यू क्या आती है, 3/8 टी की वैल्यू क्या आती है,
थ्री बाई एट टी, तो ये आंसर हो गया। यानी इतने समय के बाद सेकेंड पार्टिकल और बी पार्टिकल दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, दोनों मीट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन था, देखो यही वाला क्वेश्चन दिया था, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? तो सर सेकंड, हाँ सर सेकंड वाला सही होगा। हाँ ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही है। आकाश तो बोल ही नहीं रहा है, सो गया क्या आकाश? देखो ये वाला सॉल्यूशन दिया है, क्या सुन रहा हूँ? फेजर डायग्राम समझ में आया? फेजर डायग्राम उसी टाइप का है। चलो ये वाला आंसर करो आप, आकाश और ऋतिक दोनों ये वाला आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10 सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, नीचे हेल्प है, मैं हेल्प दिखाऊंगा नहीं बनाने से पहले, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस इतना ही है। SHM का ये टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जहां पे हमें फेजर बना करके सॉल्व करना है। जब भी SHM में दो पार्टिकल का मूवमेंट पे क्वेश्चन आए तो हमेशा फेजर से बनाएंगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। टेन रूट थ्री सेंटीमीटर, टेन रूट थ्री क्या रहा है? टेन रूट थ्री दिख ही नहीं रहा सर। और सॉल्व करो ऋतिक तुम भी। हाँ सर थोड़ा सर एक और पढ़ना चाह रहा हूँ सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हो गया।
जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग फेजर बनाएंगे और फिर आगे जाएंगे। हो गया? नो सर। डिस्टेंस ठीक है। कॉस में जाके वैल्यू क्या जाएगी? हो गया? चलो हाँ सर। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सर इसमें सर हाँ कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। सर रूट टू थ्री। अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या? ब्लैक स्क्रीन। हाँ सर। चलो अब समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को पहले। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, दो पार्टिकल है जिसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। जी सर। और मान लो ये इधर मूव कर रहा और ये इस साइड मूव कर रहा, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यही पूछ सकता है आपसे। जी तो मिनिमम डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। बता सकते हो मिनिमम डिस्टेंस जीरो कब होगा? बता सकते हो मिनिमम डिस्टेंस जीरो कब होगा? मिनिमम डिस्टेंस जीरो का मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया सब पर, लेकिन एंगल नहीं होगा उनके बीच में। नहीं ऐसा नहीं है, एंगल से नहीं मतलब है, शैडो से मतलब है। देखो यहाँ पे अगर मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो गया इसका मतलब है ना, मान लो यहाँ कहीं दोनों मिला तभी तो मिनिमम डिस्टेंस हुआ। जी सर। इसका मतलब ये हो गया कि एक यहाँ कहीं आ गया होगा जिसका शैडो बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ आ गया जिसका शैडो यहाँ बन रहा है। हाँ सर। तो टोटल एंगल है 60, तो ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30, सही है क्या? जी सर। सही yes, एंगल गलत निकाल दिया सर मैंने। अब जरा सोचना, 30 वाला। अब जरा सोचना, इसको मैं फर्स्ट पार्टिकल बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्टिकल पहले तो यहाँ पे था, ये हाँ मूव सर। करके यहाँ पे आ गया, इतना ही तो मूव करा ना फर्स्ट पार्टिकल। जी सर। तो कितना एंगल मूव करा? 60। कितना एंगल मूव करा? 60। यस सर। 60। 60 को पाई बाई थ्री भी बोलते हैं। 60। हाँ सर। तो अगर ओमेगा दिया होता तो टाइम बता सकते हो कि कब मिनिमम डिस्टेंस होगा।
तो लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टाइम, ओमेगा दिया रहेगा, टाइम निकल आएगा कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, है कि नहीं? हाँ सर, अब सर किसी तुक्के में सही चला गया। नहीं, वो मैं मैक्सिमा का पूछा था, ये मिनिमा का है ना? हाँ सर, मतलब मैंने 60 ले लिया सर, गलती थी इसको। अच्छा चलो, अब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जी सर, डिस्टेंस कहाँ पे होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन SHM। जी सर, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा हमें ये समझना है, शैडो के थ्रू समझना है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल था, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल। तो देखो अभी डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट का शैडो यहाँ पे बन रहा है और सेकंड का शैडो यहाँ बन रहा है, हाँ यही सर ना? तो जी अभी सर, तो यही डिस्टेंस है, अभी तो यही डिस्टेंस है, अभी तो यही डिस्टेंस है, सही सर है? अब जी सर, थोड़ा देर बाद क्या होगा, थोड़ा देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला वन वाला यहाँ पे आ जाएगा, सही है क्या? जी सर, टू वाला इधर कहीं आ जाएगा, यस सर, यस तो वन का शैडो यहाँ बनेगा, टू सर, का शैडो यहाँ बनेगा। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, फिर कुछ देर बाद वन यहाँ पे आ जाएगा और टू इधर आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। फिर कभी इधर वन आ जाएगा और फिर इधर टू आ जाएगा, फिर कभी कैसा होगा, इधर वन आएगा और इधर टू आएगा, ऐसे ही चलेगा ना पूरा साइकिल, जी सर, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जो एंगल दोनों के बीच का है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जी सर, हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? सबसे पहले ना मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन लगा के देखते हैं। सर डिफरेंशिएट करके। हाँ, जैसे मान लो कि ये इनिशियल था, ये वाला हाँ एंगल सर, था 60 डिग्री, और ये था फर्स्ट पार्टिकल और ये है हमारा सेकेंड पार्टिकल। तो टी टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम टी में इक्वेशन लिखता हूँ, आफ्टर टाइम टी, ये सब का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है फेजर में, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं फेजर से भी आपको बता दूंगा। आफ्टर टाइम टी क्या होगा, मान लो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, दोनों का सेम ही दिया रहेगा हमेशा जी ओमेगा सर, है, तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, वन वन यहाँ पे आ गया और ये एंगल हो गया ओमेगा टी। क्या हो गया एंगल, टी टाइम में ओमेगा टी, कितना एंगल चलता है, ओमेगा इंटू टी। और ये टू वाला पॉइंट भी ओमेगा टी आगे चला गया, ये टू वाला भी ओमेगा टी आगे चला गया, यहाँ पे आ गया ये टू। तो टी टाइम के बाद का मैं फेजर बना रहा हूं, फेजर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद का मैं फेजर बना रहा हूं, ये देखना। टी टाइम के बाद का मैं फेजर बना रहा हूँ, क्या हो जाएगा फेजर? तो टी टाइम के बाद फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पे होगा, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ होगा जो कि बना रहा होगा यहाँ वाला एंगल ओमेगा टी। सेकेंड पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा जो कितना एंगल बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, सर देखो पहले 60 बनाया सिक्सटी था प्लस अब फिर सर सिक्सटी ओमेगा प्लस टी ओमेगा टी बनाया। हाँ, 60 प्लस ओमेगा टी, कितना
कितना एंगल बना लिया 60 ओमेगा टी प्लस 60। अब बताओ दोनों के शैडो का डिस्टेंस क्या है। इसका शैडो यहाँ होगा, इसका शैडो यहाँ होगा, यही तो है इसके बीच का डिस्टेंस। हाँ सर। कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस? इस डिस्टेंस में से इसको घटा देते हैं, y2 में y1 को घटा देते हैं, सही है क्या? या x2 में x1 को घटा देते हैं तो x आ जाएगा। तो x क्या हो गया? जी सर x2 माइनस x1। अब बताओ x2 x2 क्या है? अब बताओ x2 क्या है सर? टोटल डिस्टेंस है सर। ऐसे है x2, देखो जरा, ये है x2, ये वाला डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, और ये वाला डिस्टेंस एंगल है अल्टरनेट एंगल थ्योरम से सेम एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी प्लस 60। बता x2 क्या है? तो सामने वाला साइड निकालना हो ना तो साइन में जाता है, किसमें जाता है? साइन में आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 60। तो x2 आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस 60, और x1 क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा a साइन ओमेगा टी। सेकेंड वाला ये एंगल बना रहा था ना, फर्स्ट वाला तो यही एंगल बना रहा है। जी सर। तो ये x का वैल्यू आया। इतना करने का भी जरूरत नहीं है, हमें SHM की इक्वेशन पता है ना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है कि नहीं? तो पहला बोल रहा है कि मीन पोजीशन पे है, तो 5 जीरो हो गया, x1 के लिए 5 हो गया जीरो, और x2 के लिए क्या होगा? ये वाला 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री आगे चल रहा था ना, एक यहाँ था तो इसके लिए 5 जीरो है, एक यहाँ पे है तो 5 हो गया 60। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 60। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x2 माइनस x1, एक कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस 60 माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसे आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन तो निकालने आता होगा, कैसे निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन निकालते हैं? dx by dt equals to zero, dx by dt को क्या कर देते हैं? जीरो से इक्वेट कर देते हैं, करके देखते हैं क्या आता है। मैं फेजर से भी समझा सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें मानना पड़ेगा, तो पहले उसको मैं दिखा देता हूं, फिर मानूंगा। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, सही है क्या? और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इक्वल्स टू जीरो, ओमेगा यहाँ पे भी आएगा, ओमेगा डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, तो क्या बचा? कॉस ओमेगा टी प्लस 60 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। अब बताओ फॉर्मूला पढ़े हो? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, मैथ में पढ़े हो ये? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है कि नहीं? प्लस माइनस अल्फा, सही है? यस सर। अब n की वैल्यू यही होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n की वैल्यू 1 रख लो, साइन नेगेटिव ले लो, तो फर्स्ट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगा कि नहीं? जी सर। कितना आएगा थीटा बताओ? मान लो देखो क्या आता है, मैं बता रहा हूँ थीटा क्या आता है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसको, कॉस थीटा
कॉस, ये तो लिखा ही है कॉस ओमेगा टी प्लस 60 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, तो क्या लिखेंगे, यही थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो हो गया जी सर। अगर हम प्लस ले लेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा ना, इसलिए प्लस नहीं ले सकते, यस सर, माइनस लेना पड़ेगा, तो ओमेगा टी प्लस 60 टू एन पाई माइनस ओमेगा टी, इसको इधर करो तो 2 ओमेगा टी प्लस 60 इक्वल्स टू 2 पाई, एन का वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, क्यों लूंगा 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से ही करोगे ना, 2 ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया, ये 360 हो गया, ये 60 हो गया, तो क्या बचा 300, तो ओमेगा टी का वैल्यू क्या बचा 150, ओमेगा टी का वैल्यू क्या बचा 150 का मतलब क्या, इसको हम फेजर में समझते हैं, इसको हम जरा फेजर में समझते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग फेजर में समझते हैं, पहले पार्टिकल एक यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे था, तो 150 डिग्री दोनों मूव कर गया, yes, sir. 150 का मतलब होता है 90 प्लस 60, 150 का मतलब क्या है 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, देखो इसका अगर देखने चलोगे ना, अगर इसका देखोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, इसीलिए ना फर्स्ट वाले का ट्राई करो, फर्स्ट वाले का 90 पहले इसको मूव कराओ फिर 60 मूव कराओ, तो 90 मूव कराओगे तो यहाँ आएगा 1, जी सर, यस सर, अब फिर 60 मूव करा दो तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जी सर, तो यही 1 का फाइनल है क्या पोजीशन, हम्म, यस सर, जी सर, चलो फाइनल पोजीशन 1 का। अब हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे 1 है तो 2 तो 1 से आगे चल रहा था, 2 1 से आगे चल रहा था, तो 2 तो इधर कहीं पे होगा ना, जी सर, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना है, 30 है क्या, 30, जी सर, ये भी 30 ही होगा ना, क्योंकि पहले टोटल एंगल 60 दिया था, हाँ सर, इसका मतलब क्या है, जा देखो तो एक ना इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा वर्टिकल लाइन के राइट साइड में है, नहीं है, जी सर, तो जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें एसएचएम में, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो आप क्या करो, वर्टिकल लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट डिफरेंट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों को, डिफरेंट साइड में क्या करो, डिफरेंट साइड में दोनों पार्टिकल को रख दो, दोनों पार्टिकल को रख दो, है ना, तो निकल आएगा सारा अननोन, जैसे मैं देखता हूं, हमें पता है कि वर्टिकल लाइन के दोनों साइड रखना है तभी मैक्सिमम आएगा, तो एक को हमने यहाँ पे रख दिया, दूसरे को हमने यहाँ पे रख दिया, सही है, जी सर, अब हमें पता है कि फाई का वैल्यू तो 60 डिग्री था ना इनिशियल एंगल, हाँ सर, तो ये 30 होगा और ये 30 होगा, सही है क्या, जी सर, अब ये वाला लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20, हाँ, तो बताओ 1 का शैडो यहाँ बनेगा क्या, 2 का शैडो यहाँ बनेगा क्या, yes, sir. यही डिस्टेंस है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, अब बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ये आप कैलकुलेट करो,
ये आप कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे कुछ मैथ है नहीं, नाइन टेंथ क्लास का ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाना है, साइन कॉस 20 होगा। हाँ 20 ही आएगा। आकाश आप पहले बता रहे थे 10√3। जैसा गलत है। हाँ 20 ही करेक्ट आंसर होगा। कैसे निकालेंगे ऋतिक? ऋतिक को ट्रायंगल में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये मैं देखता हूँ सर। शायद सर इसमें देखो इधर 20 साइन थीटा ले लेंगे सर। हाँ ये वाला लेंथ है 20 जी सर, और ये 30 है तो ये वाला हो जाएगा 60, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 20 cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो कितना आ गया 10 cm। तो ये 10 cm, तो ये भी 10 cm। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस 20 cm आ गया समझ में? हाँ सर। ये हो गया 20 cm। SHM का टफेस्ट सवाल सर यही, मतलब लास्ट मतलब सबसे टफ आता है ये सर। सर इसको कैसे किया करें, ऐसे ही मतलब वर्टिकल लाइन के अपोजिट में लेके? हाँ अब वो डिफरेंशिएशन में मत जाना तू, अब हम समझ गए हैं ना उसके कॉन्सेप्ट को। मैं दिखाना चाहता था कि वहाँ हो क्या रहा है, मुझे तो पहले से पता था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन दिखाने से ना आपको भी कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं होता है, सर ने तुक्का लगा के नहीं बताया। समझे कि नहीं? तो जैसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस बोले तो वर्टिकल लाइन से एक को लेफ्ट में रख दो, एक को राइट में रख दो, और एंगल पहले दिया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो, निकल आएगा। यस सर, यही चीज रहेगा सर। हाँ सर जब हमने